आज हम श्री रामपुरवा ग्राम समाज ग्राम वासियों से ये जानना चाहते हैं कि आप लोग सुखी हैं या दुखी हैं। यहाँ की जनता सारी आवाज़ उठाएगी, बताएगी हमसे कि मतलब बात क्या है, और हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को सुविधा, सरकारी सुविधा आज तक क्या क्या चीज़ मिली हैं। आप लोग एक एक आदमी करके बताइएगा, आप बोलिए। कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं, मतलब ये यहाँ मैं देख रहा हूँ किसी किसी घर में सौर ऊर्जा लगा है, आपको मिला सुविधा? नहीं मिला। सौर ऊर्जा नहीं मिला? नहीं। आप? अभी नहीं हम लोग को मिला। अच्छा, तो मतलब यहाँ सरकारी सुविधाओं में क्या क्या सुविधा मिली है, वो चीज आप लोग एक एक करके बताइए। हम लोग का कुछ सुविधा नहीं मिला। राशन मिला तो मिला। राशन कार्ड सबके बने हैं? नहीं बना है, आधा लोग का बना है, आधा लोग का नहीं बना। अच्छा, बोनलो गांव में आधा कट गई बाबा, जो बन गया, जो बना है उसमें भी कट चुका है। अच्छा, एक काम करिए आप लोग कि जितने आदमी का राशन कार्ड बना है वो लोग हाथ उठाएं। भैया मिला है लेकिन कह रहा है कि फिर कट जाएगा तुम्हारा। हमारा मिला लेकिन 4 महीने से कट गया था। 4 महीने से आपका मतलब वो राशन कार्ड कट गया है? 2 महीना देते हैं, 3 महीना देते हैं, उसके बाद से बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। अच्छा, जिन लोगों का नहीं बना है वो लोग हाथ उठाइए। चलिए, इसका मतलब कि यहाँ कुछ लोगों का बना है, बाकी सारे लोग, बाकी सभी लोग बाकी हैं। अच्छा, एक बात, सौर ऊर्जा के लिए क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा नहीं मिला है। आप आइए भैया इधर। हाँ बताइए, मतलब हमारे यहाँ ऐसा गांव है जो है कि यहाँ कोई अधिकारी गांव में आते ही नहीं है। जब वोट लेना होता है तब गांव में आएंगे, वही बरसाती मेढक बन के, और अपनी शक्ल जो है कि दिखाएंगे और वो इलेक्शन मांग के वोट, उसके बाद कोई झांकी ही पार नहीं आता है। यहाँ की जनता सुख में जी रही है कि दुख में जी रही है, कैसे है कि मर रही है कि ब्लड, जो कोई देखने वाला हम लोग को नहीं है। हमारी जमीन जो है कि बाप दादो 3 पीढ़ियाँ आज गल गई हैं, राजेश विभाग का जो है कि जमीन है, ये वन विभाग वाले जो बता रहे हैं कि नहीं है, वन विभाग है बेफर्जिनटी, कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है देखने के लिए। ना हमारी कोई सरकार सुनवाई कर रही है यहाँ पे, ना कोई कर रही है। अखिलेश जी आए, मायावती जी आए, बड़े बड़े नेता आए, सब आए, सबके सब चले गए। हम लोग इंदिरा के ज़माने के बसे हुए हैं। आज मोदी जी का सरकार आया हुआ कि तो इंदिरा जी की सरकार में फाइनल होगी कि तो मोदी जी की सरकार में आज हम लोग इतना जनता, भोली भाली जनता को जो कि सब साले इस समय वन विभाग वाले हैं जो कि चूतिया बनाए पड़े हुए हैं, बता रहे हैं ना हमारी लैट्रिन बन रही है यहाँ पे, ना हमारा आवास बन रहा है यहाँ पे, ना हमारे को लाइट मिल रहा है, ना हमारी रोड यहाँ पे बन रही है। हमारे बच्चे अगर रात में उठ के अगर लैट्रिन पेशाब करने चले जाएं घर के बाहर तो यहाँ पे शेर उनको पकड़ लेगा और जकड़ कर लेके जंगल में चला जाता है। यानी आपका घर जंगल के किनारे बना हुआ है? जंगल के किनारे है, मैं देख भी रहा हूँ कि आपका घर जंगल के किनारे बना हुआ है। हाँ। तो आप यानी यहाँ जो है लाइट की सुविधा बहुत कम है, कम से कम अगर ना आवास मिले तो शायद आपको लाइट ही मिल जाए, तो उसी से लाइट भी मिल जाए तो यहाँ लाइट कौन देने वाला है? गांव में 2 घर ला के दिखा दिए, बाकी किसी को दिए ही नहीं लाइट। 2 घर मिली है गांव में लाइट हमारे। लाइट के लिए आपने किसी से कुछ कहा? कहा क्यों नहीं, हमारे यहाँ प्रधान जी, हमारे यहाँ सब आते हैं, लेकिन प्रधान जी यहाँ तो देखने ही नहीं आते हैं कि इस गाँव में, इस मौजे में क्या हो रहा है। हम लोग सुजौली मौजा का रहने वाले हैं, हमारा श्रीरामपुरवा घर पड़ता है। आपका श्रीरामपुरवा घर पड़ता है, और वो क्या कहते हैं कि देने के लिए क्या बोलते हैं? कहते हैं कि तुम लोग वन विभाग में, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये राजेश विभाग का जमीन है जो कि पुराने प्रधान ने हमारे जो कि जंगल वालों को दे के यहाँ दे दिए थे, और बता रहे थे तुम्हें बाद में पट्टा बन जाएगी। पट्टा बने, वो भी हम लोग का सब निरस्त हो गया। इस जमीन का हम लोग का पट्टा कागज पत्र में पड़ा हुआ है, सब कोर्ट कचहरी में हम लोग का नाम ग्राम, और मुकदमा हुआ है यहाँ पे, गोलियाँ चली यहाँ पे, बहुत बहुत सी बवाले हुई हैं। ये जल्दी की बात है या ये कम से कम 70 में 70 वर्ष की बात है? ये गोलियाँ चली थी जब यहाँ पे तब ये बसे थे, वो सन 70 यानी 1970 की बात है। हाँ हाँ। अच्छा, तो यहाँ अभी लेटरिन भी नहीं है आप लोगों के लिए? आपसे बता रहा हूँ ना, यहाँ कोई अधिकारी आता है पूछने के लिए हम लोग से, ना कोई शब्दा मिल सकती है यहाँ पे। यहाँ बिजली का, यहाँ बिजली के लिए खंभा भी हम लोग ने बहुत कोशिश करके गड़वाया, वो बता रहे हैं कि तुम्हारे गांव में लाइट नहीं आएगा, और लाइट की जगह यहाँ दीवा जला जला के हम लोग काम चलाते हैं रात को शाम। आवास भी नहीं है? आवास कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है यहाँ। लेटरिन नहीं है? नहीं। सौर ऊर्जा नहीं है? नहीं। नल है किसी के यहाँ? अरे नल तो है, पर वही है हैंड पाइप है हम लोग के गाँव में चलाने वाला, और कुआं से पानी पीते हैं हम लोग। आपका गाँव
मतलब कितने घर का पुरवा है? गांव हमारा कम से कम पड़ जाएगा 100 घर का, कम से कम तो है ही है 100 घर के करीब। हाँ, आदमी यानी 100 घर में वोटर कितने होंगे लमसम? वोटर ये घर में कम से कम 5-6-7 आदमी घर में आप लगा लीजिए। 10-10-15 भी आदमी है घर में। अच्छा, क्या बताइए, आप बता रहे हैं भैया 700-800 वोट है यहाँ, और आप लोग अच्छा एक बात और बताइए आप लोग कि मतलब आप लोगों के लिए रोड रास्ता गली है और पीछे हो जाइए? कोई रोड नहीं हम लोग के लिए गली, वही जंगल पड़े जाते हैं, जंगल पड़े जाते हैं, कोई सरकारी नहीं हम लोग का सुनवाई यहाँ करती है। अरे चलिए, तो पता नहीं कैसे आज यहाँ पे लेके चले आए, चाहे पत्रकार बन के और चाहे कैसे भी कोई भी अधिकारी बन के आप आज गाँव में आए हैं, तो हम लोग इतने आदमी इकट्ठे होकर देख रहे हैं। हाँ भाई, कोई अधिकारी हमारे गाँव में छोटा या बड़ा कोई अधिकारी आया हुआ है? बाढ़ बुरा आया होता तो कैसे चलते, तो सब बरखा का पानी लगता। अच्छा, बाढ़ में यहाँ बाढ़ लग जाती है? हाँ, पानी यहाँ लग जाता है, लेकिन यहाँ एक बात और, यहाँ नदी कोई नहीं आता है। एक बात और कि नदी तो यहाँ है नहीं, लेकिन बाढ़ क्या बारिश का पानी? हाँ, बारिश का पानी लग जाता है यहाँ पे। पहले बाढ़ आ जाता लाभ के हम नदी भाग गए, अभी बारिश का पानी लग गया था। पहले बाढ़ आवत रह गया, नदी डूब गई, बारिश का पानी भर गया, कोई रास्ता कम के थी। यहाँ बारिश के पानी लग जाने से आप लोग बरसात में बहुत दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, यही तो? लेकिन आज तक अभी कोई अधिकारी नहीं आया, क्यों? कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ देखने के लिए। आप आए हुए हैं पता नहीं कहाँ से, कोई वीडियो चैनल है, कोई भी हो, आप आए हुए हैं। इस गांव में तरह तरह के आदमी परेशानी खा रहे हैं, ना किसी का राशन कार्ड बनने वाला है यहाँ पे। बताते हैं तुम लोग वन ग्राम में हो गए हो, तुम लोग का कुछ नहीं मिलने वाला है। वोट लेना होता है तो तुरंत बरसाती मेढक जैसे आएंगे, हुरहुर करते आएंगे गाड़ी लेके, भैया हाथ जोड़ के चले जाएंगे, बाबूजी हम तुम्हारे वोट दे देना, हम इस बार तुम्हारी सुनवाई कर लेंगे। अछैबर गोंड की बात कर रहे हैं आप लोग, तो अछैबर गोंड यहाँ के क्या हैं, विधायक हैं क्या है? विधायक हैं यहाँ के, वो भी बोले थे कि हाँ तुम लोग का गांव जो है कि ग्राम समाज में है, तुम लोग रजिस्ट्री विभाग में हो तुम लोग, लेकिन तुम लोग का यहाँ का प्रधान जो है कि वन विभाग लगा के तुम लोग फंसाया हुआ है। लेकिन अछैबर गोंड आप लोग यानी विधायक जी जो आपके यानी विभाग के हैं वो, हाँ हाँ विधायक जी, तो आप लोगों से कभी इस बात में चर्चा नहीं की? कभी नहीं चर्चा की, हम लोग कई बार गए हैं, बढ़िया रोड पकड़ के आते हैं, बढ़िया रोड पकड़ के चले जाते हैं, हमारे गांव में कौन आता है यहाँ? तो नहीं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अभी मतलब आए थे तो उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ? हाँ, वही इलेक्शन में आए थे जब वोट मांगना हुआ था तब आए थे। अच्छा अच्छा, जब वोट लेना हुआ था तब वो आके हम लोग को बताया गए थे कि ये चीज बनेगा, वहाँ वो चीज बनवा देंगे, तुम्हारा शौचालय बनवा देंगे, तुम लोग का घर यहाँ बन जाएगा, तुम्हारा राजस्व विभाग का जमीन है ये। जब आए तो बोले कि कर तो घर मुझे नहीं कर पाएंगे, जंगल के तुम बासी हो यहाँ पर, नहीं तुम्हारा ना रूम बन पाएगा ना वास हो पाएगा यहाँ पर, तुम्हारा कोई सुविधा नहीं मिल पाएगा। विधायक जी ने कहा था? हाँ, विधायक जी सर को बात किए थे। तो फिर क्या बोले? हम लोग बोले कि आपको वोट नहीं मिलेगा, जब बोल रहे हैं कि जाओ अब से मत देना, बल्कि यहाँ पर तुम लोग को सुविधा नहीं मिलेगा। ये विधायक जी बोले थे विधायक कि हमको वोट मत देना और आप लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, बोल रहे हैं कि सुविधा इस पे नहीं मिलेगा। आज हम श्रीरामपुरवा ग्राम सभा सुजौली क्षेत्र थाना, मैं पत्रकार चिरंजीव साहनी बहराई से आज जनता के बीच में आई, जनता की बात हमने सुना। अब इस पे सरकार स्वयं ध्यान दे कि यहाँ की जनता कितनी सुखी है, यानी हर बच्चे के मुँह से वही बात निकलती है कि हम लोगों के लिए सुविधा आज के तारीख में या आज तक कभी तक किसी भी अधिकारी से हम लोग बात किए लेकिन वो सुनने पे तैयार नहीं है। अब इस पे सरकार स्वयं एक्शन ले कि क्या इन लोगों को सुविधा दिया जाए या नहीं दिया जाए, अब सरकार स्वयं इसके विषय में फैसला करे।
प्रधान भी बने तो प्रधान के लेटरिन के पैसा आ रहा खुद उतार के सब खा रहा टर बस्त लेके सब आदमी के आवास गरीब आदमी के आवास कोई भी नहीं। चलिए ठीक है, जब इसको सरकार ये बता मतलब सरकारी लोग बताते हैं कि आप लोग जंगल के किनारे हैं, जंगल में पड़ते हैं, तो जब सरकारी सुविधा अगर किसी को नहीं मिलती है तो इसमें देख रहा हूँ कि चार छः घरों के अंदर सूर्जा पैनल लगे हुए हैं, तो वो कैसे मिल गया? अब ना मिला है, पता ना कैसे मिल गया है। गांव में कोई अधिकारी यहाँ पे आता ही नहीं हम लोग को, कोई बाजार में अगर चला गया होगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा ये अधिकारी आया हुआ है यहाँ। हम लोग घोषित कौन आता है हम लोग के पास देखने के लिए? कोई नहीं आता है। गांव में चेक करने आ रहे हैं।